स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। सिटी राशिफल आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये राशिफल। धनु राशि वालों के लिए मैं इस सप्ताह का बता दूं, थोड़ा सा सोच विचार जरूर है और संघर्ष भी आपके चल रहा है और सोच विचार मन में बहुत ज्यादा द्वंद बड़ा भारी मन में चल रहा है और साथ साथ पैसों के पीछे थोड़ा सा भागने की स्थिति इस सप्ताह की आपकी बनती है। बुध और शुक्र और शनि ये तीनों ही दिन अच्छे हैं। मित्रों से बहुत बड़ा धोखा आपको इस सप्ताह मिल सकता है और साथ साथ मैं आपको बताऊं खाने पीने की वस्तुओं में खर्चा भी हो सकता है। घर परिवार में बेहद मान सम्मान आपका बना रहेगा और थोड़ा सा जिद्दीपन इस सप्ताह आपको घेर सकता है। लगभग 45% के आसपास सक्सेस रेट इस सप्ताह का आपका है जी। तो क्या कुछ उपाय करने होंगे धनु राशि वालों को इस सप्ताह। धनु राशि वाले जातकों को मैं बता दूं, यदि हो सके तो एक झाड़ू चौराहे पे खोल दे, उससे आपको बेहद लाभ होगा। और दूसरी ओर पुराना झाड़ू आप खोल सकते हैं। दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताऊं, यदि आप हो सके तो जहां भी सत्यनारायण भगवान का मंदिर है या विष्णु जी का मंदिर है वहां जा करके पीला रुमाल वहां छोड़ करके आना है तो भी पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। पीला रंग आपके लिए भाग्यवर्धक है और साथ में अंक 4 को आप ले सकते हैं, उससे भी लाभ आपको होगा जी। तो जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। बिल्कुल, मकर राशि वालों के लिए मैं बता दूं, इस सप्ताह आपको खाने पीने की वस्तुएं बहुत ज्यादा मिलने वाली है। पेट दर्द आपका होने वाला है और साथ साथ पाँव में भी हल्की सी दर्द हो सकती है। और शनिवार शुक्रवार और सोमवार ये तीनों ही दिन थोड़ा सा संभल करके आपको रहना है और संतान पक्ष से सुख की आपको अनुभूति इस सप्ताह की होगी और आसपास जो स्टाफ है वो आपको बेहद लाभ देने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये सप्ताह मनोरंजन के लिए भी बहुत ही अच्छा है और आपको आस पड़ोस के लोगों के साथ घूमने फिरने का भी सप्ताह का बनता है। मैं देखता हूं तो लगभग 54% के आसपास का सक्सेस रेट इस सप्ताह का आपका बनता है जी। तो क्या रहेगा लकी नंबर और कलर इनके लिए। लकी नंबर की मैं बात करूं तो आप लगभग 3 का ही प्रयोग करें या 9 का प्रयोग करें, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ रंग आप आसमानी ही प्रयोग करें। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यदि शनि की उपासना हल्की सी आप करते हो, तेल से भरा हुआ दीपक जलाते हो, तो आपको लाभ इस सप्ताह निश्चित तौर पे है जी। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों जातकों के लिए मैं बता दूं कि ये सप्ताह आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल मिलने वाला है। जो कोई टेस्ट दिया है उसमें भी आपको बेहद तरक्की और आप पास उसमें होने वाले हो। और शुक्रवार शनिवार ये बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे, जीवन को बदलने वाला ये समय रहेगा और जीवन साथी के मिलने के पूरे संकेत इस सप्ताह आपके है। और मैं आपको बताऊं कि ये सप्ताह सोच विचार आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सोच विचार आपके मन में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, नई खरीदारी मोबाइल इत्यादि नया कुछ आप इस सप्ताह खरीद सकते हो और थोड़ा कर्जे में भी इस सप्ताह आप आ सकते हो। तो लगभग 64% के आसपास का सक्सेस रेट इस सप्ताह का आपका बनता है जी। तो क्या रहेगा इनके लिए शुभ अंक और शुभ रंग। शुभ अंक की मैं बात करूं तो 2 का ही प्रयोग करें और सफेद रंग का प्रयोग करें और गणेश भगवान के पास जाकर के थोड़ी द्रुबा और चावल आप चढ़ाएंगे तो आपको बेहद लाभ इस सप्ताह बना रहेगा जी। आइए अब जानते हैं हमारी अंतिम राशि यानी मीन राशि का कैसा रहेगा ये साप्ताहिक राशिफल। बिल्कुल, मीन राशि वाले जातकों को मैं बता दूं, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। नई खरीदारी, नए सूट इत्यादि और शॉपिंग इत्यादि बहुत सारी होने वाली है। मंगलवार और बुधवार ये दोनों ही बड़े अच्छे हैं, पूरा रिलैक्स इसमें आप रहोगे, पेट दर्द हल्का सा बना रह सकता है और गले में भी हल्की खराश हो सकती है, बुखार इत्यादि रहने के पूरे संकेत है। और दूसरी ओर मैं देखता हूँ कि घूमने फिरने का भी आपका समय बहुत ही अच्छा है और आस पड़ोस वालों से आपको सम्मान मिलेगा और कोई केस इत्यादि जो चल रहा है वो बिल्कुल आपके लिए सम्यक और अच्छा आपको पॉजिटिव रिस्पांस उसमें मिलने वाला है। लगभग 70% के आसपास का सक्सेस रेट है तो आपको घर में घर परिवार बदल भी इस सप्ताह सकते हो, ये भी संकेत है जी। तो क्या रहेगा लकी नंबर और कलर मीन राशि वालों के लिए। लकी नंबर की मैं बात करूं तो आप 6 का प्रयोग करें और रंग की यदि मैं बात करूं तो नीले रंग का प्रयोग करें तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। और साथ साथ मछलियों को आटा यदि इस सप्ताह आप देते हैं तो आपको लाभ होता है और आपकी समस्याएं सारी दूर इस सप्ताह की होती है, ये मैं देखता हूँ जी।
चलिए ये तो बात हुई राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह। अब जानते हैं कि धनतेरस सबसे पहले है 21 अक्टूबर को, तो आचार्य जी जानना चाहते हैं क्या महत्व रहता है इस दिन, कहते हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, तो क्या किस तरह का सामान इस दिन लेना चाहिए? बिल्कुल, धनतेरस के दिन यदि हम खरीदारी करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन हुआ और देवासुर जो संग्राम हुआ, तो उससे बाद में जब पूरा अमृत निकल गया और ये सारी चीज वस्तुएं निकल गई, माँ लक्ष्मी के निकलने से पहले जब धनवंतरी महाराज जी निकले थे, तो पूरा जो है उनके हाथ में धन और हर प्रकार के वो वस्तुएं थी, इसीलिए जो है धनतेरस मनाया जाता है। मैं दूसरा आपको कहूँ कि इस दिन यदि आप खरीदारी करते हैं तो पूर्ण रूप से आपको सामान भी बहुत लंबे अरसे तक चलता है, और ज्यादा बड़ी खरीदारी यदि आप नहीं कर सकते हो तो क्या करना है, आपको छोटी वस्तुएं भी आप खरीद सकते हो जो आपके लिए लंबे पीरियड के लिए चलते हैं, जैसे बैग इत्यादि खरीद सकते हैं, और जिस कोष रहता है जो आपका वो खरीद सकते हैं, और बड़ी खरीदारी चांदी का चम्मच, और इस दिन अगर धातु आप खरीदते हो तो आपको बेहद लाभ होगा। सोना चांदी इस तरह की जो धातु रहती है, अगर ये खरीदते हो तो आपको बेहद अच्छा होता है। और अगर कुछ बड़ा ना खरीद सको तो चांदी की गोली एक अपने लिए खरीदे, और उसको जिस टाइम लक्ष्मी की आप पूजा करें तो उस समय वो चांदी की गोली माँ लक्ष्मी के सामने रख ले, और थोड़ा सा उसमें जो है खील बतासों के बीच गोली रखनी है, और ये गोली पूरे वर्ष आपको अपने पास रखनी है, कभी आपको धन की कमी नहीं रहेगी और कभी भी आपको मान सम्मान की कमी नहीं रहेगी। जी, तो चलिए ये तो बात हुई धनतेरस की, अब बात करते हैं दिवाली की, क्या विशेष पूजा रहती है दिवाली के दिन और किस तरह से करनी चाहिए? बिल्कुल, माँ लक्ष्मी की एक बड़ी मूर्त आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको मंडप बनाना है, ये जिस तरह का भी आप फूल इत्यादि उसे बना सकते हैं, और माता को भोग चढ़ाना है पंचोपचार से, और लक्ष्मी नमस्तुभ्यम इस तरह का मंत्र करना है, लेखनी की पूजा करनी है, तराजू की पूजा करनी है, और साथ साथ आपको बताऊं यदि पूजा आप सायंकालीन 7:30 बजे से 9:30 के बीच में करते हो तो बेहद ही लाभप्रद रहती है, और दीपक इत्यादि जला करके अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक से प्रार्थना करनी है, और दीपक को कहना है हे दीपक महाराज मेरे अंदर के अंधेरे को दूर करो, बाहर का अंधेरा जैसे सूर्य भगवान दूर करते हैं अंदर के अंधेरे को मेरे दूर कर दो, और लक्ष्मी का वास मेरे पास रहे, और जो लक्ष्मी की मूर्त में आप सोना इत्यादि से पूरी उनके श्रृंगार इत्यादि से उनके पूजा कर सकते हैं, पूर्ण रूप से श्रृंगार आप लक्ष्मी का करें, और दरवाजे रात्रि के समय में खोल के रखें, दरवाजे को बिल्कुल बंद नहीं करना है, दिए और इत्यादियों से लक्ष्मी का स्वागत करना है, जैसे माता सीता और श्री रामचंद्र जी का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया था ऐसे ही स्वागत आपको करना है, तो पूर्ण रूप से लक्ष्मी आपके ही घर में स्थापित होगी। एक घड़ा लेना है, घड़े के अंदर कुछ धान्य लेने हैं, 5 धातुएं लेनी है, पत्ते लेने हैं, और 1 घड़ा वो अपने घर पे अगर उत्तर दिशा की तरफ आप स्थापित करते हो या पूर्व दिशा की तरफ स्थापित करते हो तो घर से कभी भी लक्ष्मी का अंत नहीं होता है, लक्ष्मी में वृद्धि आपके रहेगी। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने आचार्य जी, तो आपके मन में भी अगर कोई ऐसे ही प्रश्न है, अपने जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं acharyaplus@gmail.com पर, और साथ ही साथ आप बात भी कर सकते हैं आचार्य जी से इनके फोन नंबर पर। बिल्कुल, हमारे नंबर है 9295000004 और 9282100013 और 14 काल योग एस्ट्रो कस्टमर केयर में आप कभी भी जुड़ सकते हैं, कभी भी अपनी समस्या छोड़ सकते हैं, मेल आईडी पे छोड़ सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे हमारा यही नंबर चलता है, कभी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या रहेगी उनका सबका निदान होगा। चलिए, तो आज के सिटी राशिफल में इतना ही, आप बने रहिए सिटी जर्नल के साथ, और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।